प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड विषय एबीएसटी प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन का संपत्ति व दायित्वों के सत्यापन के टॉपिक में अध्ययन करेंगे। और मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मोरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। हमने अभी तक संपत्तियों के सत्यापन में बिंदुवार अध्ययन करते हुए आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है स्टॉक के मूल्यांकन के आधार। स्टॉक का वैल्यूएशन वेरिफिकेशन जो भी करें उसके सत्यापन के लिए, तो उसके आधार पे हम स्टॉक के संबंध में जो स्टॉक के मूल्यांकन के आधार हैं उनका अध्ययन करेंगे। स्टॉक व्यवसाय की चल संपत्ति है और चल संपत्ति का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है। ये स्पष्ट है कि व्यवसाय की स्टॉक है वो चल संपत्ति है और चल संपत्तियों के मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य इन दोनों में जो कम हो उस पर किया जाता है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि सर्वप्रथम सर्वमान्य पत्ती का ही अनुसरण किया गया है। स्टॉक का लागत मूल्य ज्ञात करने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे पहली जो विधि है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अर्थात फीफो मेथड। पहले आने वाले और पहले जाने वाली पत्ती, जो माल पहले स्टॉक में आता है उसका पहले ही निर्गमन किया जाए, ये इसमें भावार्थ है। इस पत्ती के अनुसार स्टॉक के मूल्यांकन के लिए मान लिया जाता है कि पहले खरीदा गया माल पहले बेचा गया है, और इस प्रकार जो माल स्टॉक में बचा है वह बाद में आया हुआ माल है। अतः बचे हुए माल का मूल्यांकन बाद में आए हुए माल की लागत के आधार पर किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड में जो स्टॉक हमने प्राप्त किया है उसमें सबसे पहले जो स्टॉक आया है उसको, जो खरीदा था उसको हम सबसे पहले बेचते हैं, और अंत में जो उसका क्लोजिंग स्टॉक बचता है, जो शेष माल बचता है, उस माल के जो लागत है वो अंतिम मूल्य पे जो माल है वो माना जाता है। दूसरी विधि बाद में जो आने वाले और पहले जाने वाली पत्ती अर्थात लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसको हम फीफो मेथड भी कहते हैं, कि बाद में जो माल खरीदा जाता है उसको सबसे पहले बेचा जाए और जो पहले माल था उसको अंत में बेचा जाए। इस विधि को हम लिफो मेथड भी कहते हैं। इस पत्ती के अनुसार ये मान लिया जाता है कि जो माल बाद में आया है वह पहले बिका है और बिना बिका माल पहले आया हुआ माल है। अतः स्टॉक का मूल्यांकन पहले आए हुए माल की लागत के आधार पर किया जाता है। और तीसरा है जो विधि है इसमें, औसत लागत पद्धति, एवरेज कॉस्ट मेथड। और इस पद्धति के अंतर्गत वर्ष के दौरान समय समय पर खरीदे गए माल की औसत लागत ज्ञात की जाती है और इस लागत पर ही स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात पहले और बाद में आने वाले माल विक्रय करने से पहले जितना भी माल आ जाता है उस खरीदे हुए माल को तो जोड़ लिया जाता है और उसका औसत मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है, और उस औसत मूल्य के आधार पे ही उस स्टॉक के माल को बेचा जाता है। चौथी विधि जो है इस पत्ती है वो है वास्तविक लागत पत्ती, एक्चुअल कॉस्ट, और यूनिट कॉस्ट मेथड भी कहते हैं इसको। यदि स्टॉक में कई बार खरीदा हुआ माल शामिल है और किसी माल के संबंध में यदि ज्ञात हो सके कि वह किस चालान का माल है, तो
तो उसका मूल्यांकन उस चालान के मूल्य के आधार पर किया जा सकता है। यही वास्तविक लागत पत्ती है। पांचवी जो पत्ती है इसमें वो परमाप लागत पत्ती, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। और इस पत्ती के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन एक पूर्व निर्धारित लागत के आधार पर किया जाता है, इसे परमाप लागत कहते हैं। छठी जो विधि है वो इसमें महत्वपूर्ण विधि है, समायोजित विक्रय मूल्य पत्ती, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इस पत्ती के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन पहले बाजार मूल्य पर किया जाता है, इसके पश्चात इसमें से सामान्य लाभ घटा दिया जाता है। इस प्रकार जो शेष बचता है वही अंतिम स्टॉक का मूल्य समझा जाता है, अर्थात इसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो अंतिम स्टॉक का जो मूल्य उसमें से बाजार मूल्य में से जो बाजार का मूल्य उसमें से कम कर दिया जाता है, और जो शेष बचता है वो अंतिम स्टॉक का मूल्य मान लिया जाता है। लागत मूल्य का स्पष्टीकरण हो जाने के पश्चात बाजार मूल्य का स्पष्टीकरण भी आवश्यक है, और इसको निम्नलिखित अर्थ में हम समझ सकते हैं। वह मूल्य जिस पर हम उस वस्तु को अपने ग्राहक को बेचने के लिए तैयार हैं, इसे विक्रय मूल्य कहा जा सकता है। जिस मूल्य पर हम ग्राहक को वस्तु बेचें या बेचने को तैयार हैं, उसे ही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाएगा। दूसरा, वह मूल्य जिस पर वस्तु हमें अपने विक्रेता से प्राप्त हो सकती है, उसे क्रय मूल्य कहा जा सकता है। बेचे हुए विक्रेता माल को बेचता है, उसे यदि हम खरीदते हैं तो उस खरीद मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। तीसरा है, वह मूल्य जिस पर उस वस्तु को चिट्ठे के दिन प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसे प्रतिस्थापित मूल्य रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहा जा सकता है। इसके लिए क्रय मूल्य में क्रय संबंधी खर्चे जोड़ दिए जाते हैं। इसमें जो क्रय के समय क्रय करने पर जो खर्चे हुए हैं उसको जोड़ दिए जाते हैं, उसको प्रतिस्थापित मूल्य कहा जा सकता है, उसे रिप्लेसमेंट वैल्यू या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। चौथा, इसमें वह शुद्ध मूल्य जो हमें उस वस्तु को चिट्ठे के दिन बेचने पर प्राप्त होगा, इसके लिए विक्रय मूल्य में से विक्रय संबंधी खर्चे घटा दिए जाते हैं, इसे शुद्ध विक्रय मूल्य नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहा जा सकता है। और हमने जैसे पहले भी कहा जा चुका है हमें कि स्टॉक है वो चल संपत्ति होने के कारण इसका मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में जो कम हो उस पर किया जाता है। और इसके लिए दो पद्धतियाँ हैं जिसमें किसी एक को अपनाया जा सकता है, और उनमें से पहली पत्ती है इकाई पत्ती, इंडिविजुअल मेथड, और पिक एंड चॉइस मेथड। इस पत्ती के अनुसार स्टॉक की प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य और बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उसे लिख दिया जाता है, और फिर इसका योग ही स्टॉक का मूल्य समझा जाता है। अर्थात हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वस्तु के जो वस्तुएं हमारे पास स्टॉक है उसके लागत और बाजार मूल्य में से जो कम हो उसी को लिखा जाएगा, और उन सब का योग ही स्टॉक का मूल्य समझा जाएगा। दूसरी है सामूहिक पद्धति, ग्लोबल मेथड। इस पद्धति के अनुसार स्टॉक के प्रत्येक मद की लागत मूल्य लिखकर उसका योग लगाया जाता है। इसमें स्टॉक के जो प्रत्येक आइटम है, जो प्रत्येक मद है, उसका मूल्य लिखकर उसका योग लगाया जाता है, और फिर स्टॉक की प्रत्येक मद का जो मद है स्टॉक में प्रत्येक, उसका बाजार मूल्य लिखकर उसका योग लगाया जाता है। और इन योगों में से जिस रकम कम हो वही स्टॉक का मूल्य समझा जाता है, मान लिया जाता है। अर्थात सामूहिक पत्ती में हम ये कह सकते हैं कि इसमें बाजार मूल्य भी और वास्तविक मूल्य भी, उन दोनों को लिखा जाता है और दोनों का योग लगाया जाता है, और योग में जो रकम कम होगी चाहे वो बाजार मूल्य की हो
चाहे वास्तविक मूल्य की हो, जो कम है रकम उसी को स्टॉक का मूल्य समझा जाता है। इसके लिए स्टॉक की जो मदें हमने हम यदि उदाहरण के तौर पे ये समझें कि स्टॉक का मूल्य जैसे दे रखा हो, लागत मूल्य दे रखा हो, बाजार मूल्य दे रखा हो, तो हम स्पष्ट है कि प्रथम विधि के अनुसार तो इकाई पत्ति के अनुसार जो हमने है उसमें तो जो मूल्य कम होगा उसको आधार मान लेते हैं। दूसरी तरफ यदि हम सामूहिक पत्ति को माने तो उसमें लागत मूल्य और बाजार मूल्य जितने भी स्टॉक की मदें हैं उनका सबका योग किया जाता है, और योग करने के बाद जो लागत मूल्य कम है, चाहे वो लागत मूल्य हो या बाजार मूल्य, दोनों में से जो कम है उसको मान लेते हैं। इसमें हम स्टॉक के लिए विभिन्न जो सामग्रियों के मूल्यांकन संबंधी प्रचलित विधियां हैं उनके बारे में भी अध्ययन करें। उसमें सबसे पहला है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जिस सामग्री से तैयार माल, फिनिश गुड्स बनाया जाता है, कच्चे माल से क्या करते हैं हम, कच्चे माल के माध्यम से तैयार माल तैयार किया जाता है, फिनिश गुड्स तैयार किया जाता है, और उससे जिससे तैयार माल तैयार माल को तैयार करते हैं उसके लिए क्या चाहिए, कच्चा माल। अतः संस्था में उन्हें बिक्री के लिए नहीं रखा जाता है, इसलिए इसका मूल्यांकन है वो क्रय मूल्य में उचित अनुपात से भाड़ा व अन्य खर्चे जोड़कर किया जाता है। इसके मूल्यांकन के समय बाजार मूल्य में साधारण उतार चढ़ाव का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन यदि बाजार मूल्य अत्यधिक गिर गया हो तो कच्चे माल का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि वास्तव में ही बाजार मूल्य बहुत अत्यधिक गिरता है तो ऐसी स्थिति में कच्चे माल का जो मूल्यांकन है वो बाजार मूल्य पर करना चाहिए। कच्चे माल में कुछ ऐसी वस्तुएं भी हो सकती हैं जिनका मूल्य समय बीतने के साथ साथ बढ़ जाए, जैसे शराब हो, चावल हो इत्यादि जो हैं इस तरह की, और इनका मूल्यांकन क्रय मूल्य में गोदाम में रखने का खर्चा भी उसमें सम्मिलित करें, पूंजी पर यदि उधार ले रखे तो उसमें ब्याज भी हो व अन्य संबंधी जो खर्चे उनके हैं तो उनको उचित अनुपात में इसमें जोड़ा जा सकता है, और इस प्रकार जोड़ने के बाद जो मूल्य प्राप्त होगा वो कच्चे माल का मूल्य होगा, रॉ मटेरियल्स प्राइस होगी। दूसरा कच्चे माल के बाद अनिर्मित माल, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो कच्चे माल से जो माल तैयार करते हैं लेकिन वो पूर्णतः तैयार नहीं हुआ हो, प्रक्रिया में हो, प्रोसेस में हो, तो उसे अनिर्मित माल कहते हैं। चिट्ठे के दिन कुछ माल ऐसा होता है जो कच्चे माल की दशा में आगे बढ़ जाता है, लेकिन अभी तक वह विधि से निर्मित माल के रूप में बाहर नहीं निकल पाया है, प्रोसेस में है, तो इसे अनिर्मित माल या चालू कार्य भी कहते हैं, इसे अनिर्मित माल या वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। चालू कार्य के मूल्यांकन करते समय हम दो प्रकार के खर्चों को शामिल कर सकते हैं, उसमें पहला खर्चा है प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कच्चा माल तो है ही है, उसमें मजदूरी व अन्य प्रत्यक्ष खर्चे भी उसमें हैं तो जोड़ दिए जाते हैं। दूसरा है कारखाने में होने वाले अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो कारखाने की फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो उसमें जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार इसके मूल्यांकन में प्रशासन संबंधी या विक्रय संबंधी खर्चों को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस को अनिर्मित माल में सम्मिलित नहीं करते। यदि व्यवसाय ने कोई ठेका कॉन्ट्रैक्ट लिया है जो कई वर्षों तक चलेगा तो इस ठेके संबंधी चालू कार्य का मूल्यांकन करते समय, जो वर्क इन प्रोग्रेस का इसका मूल्यांकन करेंगे, तो करते समय खर्चे में उस लाभ का जो व्यवसाय को नकद प्राप्त हो चुका है, चाहे वो 2/3 या 3/4 भी शामिल कर लिया जाता है। यदि ऐसे चालू ठेकों पर कोई हानि हुई है तो चालू कार्य के मूल्यांकन खर्चों में से हानि को
घटा भी दिया जाता है। और यदि ठेके का के दिन जिस दिन ठेका का चिट्ठा तैयार किया जाता है उस दिन यदि 1/4 हिस्से तक ही पूर्ण नहीं हो पाता है तो इसके मूल्यांकन में कोई लाभ सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो ठेका है और जिस दिन चिट्ठा तैयार किया जाता है उस दिन उस कार्य का यदि 1/4 भाग पूर्ण नहीं हो पाता है तो उसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं जोड़ा जाता। लेकिन यदि 2/3 या 3/4 भाग पूर्ण होता है तो उसमें जो लाभ है जोड़ते हैं, हानि है तो उन खर्चों में से घटाते हैं। और तीसरा है तैयार माल, फिनिश गुड्स। ये वह माल है जो कि व्यवसाय के पुनः विक्री के लिए होता है। जिस कच्चे माल से माल तैयार किया गया, अर्धनिर्मित माल की अवस्था में आया और फिर तीसरी स्टेज जो है वो तैयार माल की है। जब माल तैयार हो गया उस कच्चे माल से तो उनका पुनः विक्रय किया जाता है। इसका मूल्यांकन भी चालू कार्य की तरह ही किया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस की तरह की। कहीं कहीं इसके मूल्यांकन में प्रशासन संबंधी व्ययों का भी उचित अनुपात में जोड़ दिया जाता है। लेकिन अंकेक्षक को देखना चाहिए कि यदि लागत मूल्य बाजार मूल्य से अधिक आता है, उसकी लागत कॉस्ट बाजार मूल्य से अधिक आता है तो तैयार माल का मूल्यांकन वो बाजार मूल्य में किया देना चाहिए। और चौथा है चलानी पर भेजा गया माल, गुड्स सेंट ऑन ए कंसाइनमेंट। यदि कोई व्यवसायी अपने अभिकर्ता मतलब एजेंट को चलानी पर माल भेजता है तो चिट्ठे की तारीख पर अभिकर्ता के पास जो माल बिना बिके रह जाता है वह व्यवसाय की संपत्ति है। यदि हम माल भेजने के लिए किसी एजेंट को नियुक्त करते हैं और एजेंट को माल भेजते हैं, एजेंट द्वारा जितना माल भेज दिया जाता है लेकिन जिस दिन चिट्ठा तैयार किया जाता है उस दिन जो माल बिना बिके रह जाता है तो उस वह व्यापार की व्यवसाय की क्या कहलाएगी, संपत्ति, एसेट्स है। और ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को अभिकर्ता से प्रमाण पत्र मांगना चाहिए कि उसके पास कितना माल है और इस प्रकार के माल का मूल्यांकन करते समय व्यवसाय के क्रय मूल्य में चलानी पर होने वाले खर्चों अथवा अभिकर्ता द्वारा भंडारण स्टोरिंग पर किए गए खर्चों का उचित अनुपात जोड़ दिया जाता है, उसमें जोड़ देना चाहिए। और यदि व्यवसाय ने चलानी का माल प्राप्त किया है तो उसे व्यवसाय के अंतिम स्टॉक में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उसकी संपत्ति नहीं है। और पांचवा जो है इसमें स्वीकृति पर भेजा गया माल, गुड्स सेंट ऑन ए अप्रूवल। यदि माल ग्राहक को इस आधार पर भेजा गया है कि उसे पसंद आवे तो उसे स्वीकार कर ले अन्यथा लौटा दे, और चिट्ठे की तारीख तक ग्राहक ने स्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो इसे बिक्री नहीं माना जावे। क्योंकि जब माल अपने भेजा है और माल प्राप्त करने वाला जो ग्राहक है वो उसको पसंद है कि नहीं है उसकी स्वीकृति यदि नहीं आती है तो चिट्ठे की तारीख को उसको विक्रय किया हुआ माल नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि स्वीकृति पर भेजे गए माल के रूप में चिट्ठे में दिखाया जाए। और इसका मूल्यांकन है वो लागत मूल्य में माल को ग्राहक को भेजने के खर्च छोड़ दिया, जो लागत मूल्य है उसमें ग्राहक को भेजने पर जो खर्चा हुआ है वो जोड़ते हुए उसका लेखा करना चाहिए। और यदि व्यवसायी ने ग्राहक को माल स्वीकार करने के लिए कोई तारीख दी है कि भाई उसमें कोई तिथि तय कर दी हो कि इतनी तारीख तक वो ग्राहक अस्वीकार कर सकता है तो वह तारीख गुजर गई हो, यदि वो तारीख जा चुकी हो तो मान लिया जाए कि ग्राहक ने माल स्वीकार कर लिया है तो उसका बेचे हुए माल के आधार पर लेखा किया। इस प्रकार यदि व्यवसाय ने स्वीकृति पर कोई माल प्राप्त किया है और इससे संबंध में अभी तक स्वीकृति नहीं दी है अथवा स्वीकार किए जाने की तारीख नहीं गुजरी हो तो स्टॉक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए उसे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं और इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्टॉक के सत्यापन व मूल्यांकन के संबंध में अंकेक्षक के कार्य का काफ़ी विस्तार हो गया है, उसको बड़े विस्तारित ढंग से करना है ये स्पष्ट है।
अब वह प्रबंधकों से केवल प्रमाण पत्र लेकर अपने को संतुष्ट नहीं कर सकता। और यहाँ ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए उसे कि अंकेक्षक की नियुक्ति किसी निजी समझौते अंतर्गत की गई है तो अंकेक्षक को अपने नियुक्ता से लिखित समझौते द्वारा ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि स्टाक के सामने उसे कितना कार्य करना है ताकि भविष्य में किस्म का कोई झगड़ा उत्पन्न नहीं हो। सारी की सारी चीज़ अंकेक्षक को जब नियुक्ति होती है तो उसमें जो निजी समझौता होता है उसके अंतर्गत नियोक्ता से सारे का सारा लिखित में और उसमें सारी चीज़ें निर्धारित कर लेनी चाहिए ताकि इसी स्टाक संबंधी जितना भी जो कार्य करना है भविष्य में उसको किसी प्रकार का उसका झगड़ा नहीं हो। इसके अलावा भी जैसे प्राप्त बिल के सत्यापन की बात आए, क्योंकि ये भी संपत्तियां हैं बिल से शिवंश, और इसके सत्यापन के लिए सूची प्राप्त करना और अपने नियोक्ता से अंकेक्षक को चिट्ठे के दिन प्राप्त बिलों की एक सूची प्राप्त करनी चाहिए और सूची का मिलान सामान्य खाता वहीं जनरल लेजर से करना चाहिए। दूसरी इसमें जो जांच का बिंदु है वह है बिलों की जांच। अंकेक्षक को जिस दिन चिट्ठा तैयार करता है, अंकेक्षक को चिट्ठे के दिन संस्था में पहुंचकर बिलों की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि सभी बिल ठीक लिखे गए हैं और उन पर आवश्यक टिकट लगे हुए हैं या नहीं। बिल जिस तारीख को परिपक्व हो वह तारीख भी देखी जानी चाहिए और यदि बिल इकट्ठा करके कलेक्शन करके बैंक में जमा कराए गए हैं तो बैंक से प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। इसी प्रकार भुनाए हुए बिल, यदि कुछ बिलों को भुनाया गया है तो उसकी जांच रोकड़ पुस्तक या बैंक पासबुक से करनी चाहिए। इस प्रकार यदि किसी बिल का भुगतान उसकी परिपक्वता की तारीख से पहले ही प्राप्त हो गया हो तो उसकी जांच रोकड़ वहीं से कर लेनी चाहिए। और अप्रतिष्ठित बिल, यदि कोई बिल अप्रतिष्ठित हो गया हो तो अंकेक्षक को उसका कारण ज्ञात करना चाहिए और ये उसे ज्ञात होता है कि बिल की अप्रतिष्ठित होने का कारण स्वीकारक की खराब आर्थिक स्थिति है तो अंकेक्षक को देख लेना चाहिए कि उस हानि के लिए आवश्यक आयोजन प्रोविजन कर लिया गया अथवा नहीं। यदि उसकी स्थिति या आर्थिक स्थिति है वो दयनीय हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को उस हानि के लिए आवश्यक आयोजन करने का तो प्रोविजन कर लेना गया है या नहीं इसकी भी जांच करनी चाहिए। और अंतिम है रोकड़ वहीं कैश इन हैंड, नगद रोकड़ की जो बात है, नगद रोकड़ कैश इन हैंड। नगद रोकड़ के सत्यापन के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं और इसमें पहला है ये निर्धारित करना कि वर्ष के अंत में रोकड़ वहीं जितना नगद रोकड़ शेष बताती है गलने में उतना शेष मौजूद है कि नहीं है ये देखना चाहिए। और दूसरा है रोकड़ वहीं नगद रोकड़ का सही शेष बताती है या नहीं बताती ये जांच करना चाहिए। उसके बाद यदि हम बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक भी हो तो उसको भी चिट्ठे में लिखें, अर्थात हम ये कहें कि उसे जो संपत्ति है उसका भी सत्यापन करना चाहिए। चिट्ठे के दिन संस्था में कितनी रोकड़ बैंक में थी इसका सत्यापन करने के लिए हम सबसे पहले रोकड़ बही की जांच, अंकेक्षक रोकड़ बही के बैंक जो कॉलम की जांच, पासबुक या चेकबुक या जमा पुस्तक आदि से कर सकता है, बैंक से प्रमाण पत्र ले सकता है, संस्था का जिन जिन बैंकों में खाता है उन सबसे अंकेक्षक ये प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा कि चिट्ठे के दिन उस बैंक की संस्था के खाते का कितना शेष है। और यदि एक बैंक में कई खाते हैं जैसे चालू खाता, करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट, बचत खाता हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मुदित खाता हो तो अंकेक्षक इन सब खातों के सामने प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। तीसरा है बैंक समाधान विवरण। यदि रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष पासबुक से या बैंक प्रमाण पत्र से नहीं मिलता है तो अंकेक्षक को बैंक समाधान विवरण तैयार करेगा।
और यदि अंक एक्सक बैंक समाधान विवरण व्यवसाय से प्राप्त करता है तो उसे इसकी जांच स्वयं को करनी चाहिए कि वह विवरण सही है या नहीं। और चौथा इसमें है कटिंग की जांच। यदि किसी प्रकार की ओवर राइटिंग या कटिंग कर रखी है तो उसे कहीं बैंक में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखा, इन सब की जांच करने के लिए अंकेक्षक को बैंक सेज की गड़बड़ करने का प्रचलन का तरीका जो कटिंग है वह तरीका पाश्चात्य देशों में अधिकतर प्रचलित है। जब व्यवसाय की कई शाखाएं अलग अलग शहरों में होती हैं तो उन शाखाओं के बैंक सेज को कृत्रिम तरीके से बढ़ाकर दिखाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है और उसके जांच के दौरान अंकेक्षक उसका पता लगा सकता है। इसमें चेक जहां जमा कराया जाता है वहां का बैंक शेष बढ़ जाता है, लेकिन जिस शाखा पर चेक काटा गया उस दिन उस शाखा का बैंक शेष कम नहीं होता है, क्योंकि वह चेक से इकट्ठा चेक इकट्ठे होने में 3 या 4 दिन लग जाते हैं और इस क्रिया को ही हम कटिंग की संख्या के रूप में भी मान सकते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर हम कहें कि माने कि कोई किसी अमेरिकन व्यवसायी के 2 कार्यालय हैं, एक न्यूयॉर्क में हो और दूसरा वाशिंगटन में हो, जैसे भारत के तौर पर एक का कलकत्ता में हो और दूसरे का बम्बई में हो, ये मान लें। जब 31 दिसंबर को जब दोनों व्यवसायों के आर्थिक वर्ष समाप्त होता है तो जो बंगाल में बैंक है उसका शेष जितना है उससे कहीं महाराष्ट्र बॉम्बे में जो बैंक है उसका अलग शेष है और व्यवसायी इस कार्यालय पर एक चेक काट देता है बंगाल का और महाराष्ट्र के बैंक खाते में जमा करा देता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों में जब तक वो चेक का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तो उस खाते में से कम नहीं होता। तो इस प्रकार की जो गड़बड़ है उसको अंकेक्षक को जांचनी चाहिए। और क्योंकि हमारे देश में भी देखा हमने बैंक एक चेक की रकम को खाते में प्राय तभी जमा करता है जब वह इकट्ठा होकर आ जाता है और कलेक्शन होने में 3 या 4 दिन 5 दिन का समय लगता है, तो इस पीरियड में यदि चिट्ठा तैयार करता है तो उसकी जांच करनी चाहिए। और अंतिम जो संपत्तियों के सत्यापन का है वह मार्ग में रोकड़ कैश इन ट्रांजिट। यदि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यवसाय की शाखाएं वर्ष के अंतिम दिनों में व्यवसाय के प्रधान कार्यालय को रोकड़ भेजती हैं, हेड ऑफिस को कैश भेजी जाती है और इसकी सूचना तो प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाती है लेकिन रकम वर्ष के अंतिम दिन तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसी रकम को मार्ग में रोकड़ कहते हैं। इसे संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और इसका सत्यापन अंकेक्षक को निम्न प्रकार करना चाहिए। शाखाओं द्वारा भेजे गए विवरण की जांच, तो चिट्ठे में जो रकम मार्ग में दिखाई गई है उसकी जांच शाखाओं द्वारा भेजे गए विवरण से करनी चाहिए। दूसरा, अगले वर्ष के व्यवहारों की जांच। यदि वर्ष के अंतिम दिन जो रकम मार्ग में होती है वह अगले वर्ष के कुछ दिनों में अवश्य प्राप्त हो जाएगी, ये मानते हम, अतः अंकेक्षक को ऐसी प्रत्येक राशि की जांच करके देखना चाहिए कि वह अगले वर्ष प्रधान कार्य में प्राप्त कर ली गई है या नहीं। और इसके अलावा भी हम कुछ देखें कि जैसे अर्जित किंतु अपर्याप्त आय, इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव, कुछ ऐसी संपत्तियां भी हैं और ऐसी आय हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं जिन्हें संस्था द्वारा उपार्जित कर लिया गया है लेकिन जो चिट्ठे की तारीख को प्राप्त नहीं हुई हैं, तो आज चिट्ठे के व्यवसाय की संपत्तियों के रूप में दिखाई जाती हैं। विनियोगों पर उपार्जित ब्याज इसका उदाहरण है एक प्रकार से। अतः इस प्रकार से हमें इनकी जांच के लिए इनकी कोई सूची हो तो प्राप्त करनी चाहिए, सूची से संबंधित प्रमाणों को से मिलान करना चाहिए और इसके लिए पत्र विहार भी कर सकते हैं और पुस्तकों में न लिखी गई आय की जांच भी हमें कर लेनी चाहिए। ये हमने संपत्तियों के सत्यापन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद। अब हम
अगले टॉपिक में जो भी होगा दायित्वों का सत्यापन वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज का अध्ययन करेंगे।